सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य के इस पावन भूमि को, पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सौभाग्य है मेरे साथ आए हुए मंत्रिमंडल आमदार खासदार तेलंगाना राज्य के, बालके जी ने हमारा बहुत ही अच्छे अंदाज में स्वागत किया और बहुत ही ब्रह्मांड नायक विठोबा जी के चरण में माथा टेकने का हमें जो दर्शन दिलवाए, उस चीज के लिए मैं उनके आभारी हूं। मैं धन्यवाद भी उनको देता हूं। महाराष्ट्र राज्य के बीआरएस किसान विभाग के अध्यक्ष श्री माणिकराव कदम जी, हमारे सीनियर नेता श्री शंकर अन्ना धोंडगे जी, आपके लोकप्रिय नेता, आपके दिल जीतने वाला नौजवान ताकतवर नेता भगीरथ बालके जी, आवाज कम आई है, ये भगीरथ है, आगे चल के पूरे चंद्रबाग का पानी मंगलवाड़ में लाने वाले हैं, इनके नाम ही भगीरथ है। मंच पर उपस्थित नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों बहनों और माओं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इन दिनों मैं एक प्रार्थना सबसे पहले आपसे करूंगा, मेरे जो भी शब्द है आपके सामने आप सुन के यहीं मत भूल जाइए, अपने गांव जाके जरूर अपने मित्र और अपने फैमिली में चर्चा कीजिए, अपने गांव में चर्चा कीजिए, इतना मेरा प्रार्थना है। इन दिनों एक बात मुझे बहुत सताता है, मैं हर सभा में कह रहा हूं महाराष्ट्र में, कि आज हमारे देश के लक्ष्य क्या है, भारत का लक्ष्य क्या है, देश का कोई लक्ष्य है या बिना लक्ष्य के हम गुमराह हो गए, हम भटक रहे अंधेरे के रास्तों में, क्या हो रहा है इस देश में, एक बार प्रति भारतीय को इस बारे में सोचने की बहुत सख्त समय आ चुका है, ये वक्त है उस समय का। आजादी का जंग एक वक्त था जिन कुर्बानियों के फल हमको मिला, लेकिन आज एक और आजादी की जंग लड़ना चाहिए, उस प्रकार का ही एक नया उमंग से, एक नया सवेरे का दिशा में पूरे भारत को चलना चाहिए क्रांति के मार्ग पर। इसलिए कि आजाद हुए हम भारत 75 साल गुजर गए, 75 साल कोई कम समय नहीं होता है, दुनिया भर में कई देश है जो हमारे सामने ही कहां से कहां पहुंच गए, जैसा कि साउथ कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है, मलेशिया है, हमारे से जियोग्राफिकली कनेक्टेड है हिमालय के उस पार में चीन है। आज चीन का एक समय में चीन हमसे गरीब थे 1982 तक, उसके आज का चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं, इस बात को हर किसी को सोचना चाहिए। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई ना कोई जीत ही जाता है, कितने पार्टियों को हमने सपोर्ट किया, और महाराष्ट्र जैसे राज्य में मुझे एक पार्टी बताइए जिनको अवसर नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। कांग्रेस तो पूरे 50 साल राज किया, उसके बाद में राष्ट्रवादी को भी आपने मौका दिया, शिवसेना को आपने मौका दिया, भाजपा को भी आपने मौका दिया, करना चाहते तो इनमें से कोई एक तो करते, उल्टा ये कह रहे हैं तेलंगाना के जैसे छोटे से राज्य में कम समय में नया नवेला राज्य में किसानों के भलाई के लिए सब कुछ किया जा सकता है। मैं मराठी बोल नहीं सकता लेकिन समझ सकता हूं, बालके जी ने अपने बातों में सारे बता दिए तेलंगाना में क्या क्या स्कीम चलता है। ये स्कीम तेलंगाना में 5-6 साल से जब चल रहा है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा राज्य है, स्थिर राज्य है, धनवान राज्य है, यहां किस चीज की कमी है? उल्टा ये कहा जा रहा है
कि तेलंगाना का जो भी मामला है वो भूल भुलैया है, अगर महाराष्ट्र वो कर दे तो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकलेगा। हाँ जरूर निकलेगा दिवाला, मैं भी मानता हूं इस बात का, निवाला निकलेगा नेताओं का और दिवाली होगा किसानों का, बिल्कुल दिवाली होगा किसानों का, राज का दिवाला नहीं निकालेगा। हम कहां से ला रहे हैं पैसे, सभी पूछने लगे हैं आज उल्टा पलटा क्वेश्चन पूछने, लोगों को गुमराह करने। बालके जी बता रहे थे तेलंगाना की पार्टी है, बीआरएस तेलंगाना की पार्टी नहीं है, बीआरएस भारत बदलने का, भारत परिवर्तन का एक मिशन है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। बड़े अजीब अजीब सवाल आते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। हम जब पंडरी दर्शन के लिए जब वहां से निकले, कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं आपने अखबारों में देखा, टीवियों में भी सुना। हाँ आ जाए जरूर दर्शन करे, लेकिन राजनीति ना करे। हम आके दर्शन कर रहे, पंडरीपुर में मेरे पीछे कई पत्रकार पड़े थे, मैंने वहां मुंह नहीं खोला, कुछ कहा भी नहीं उनको, वो नाराज भी हो गए मुझसे, लेकिन मैंने वो पुण्यस्थली है, क्षेत्र है, तो वहां मैंने कुछ राजनीति नहीं कहा, लेकिन यहां जरूर कहूंगा। मेरा एक बात है, मुझे समझ में नहीं आता, अभी अभी हम शुरू हुए महाराष्ट्र में, इतना आक्रोश क्यों है इतने सारे पार्टियों में, इतनी घबराहट क्यों है, हड़बड़ी क्यों है, इतना आक्रोश इतने छोटी पार्टी के लिए? 3-4 महीने ही हो गए हम यहां शुरू होके, कोई पार्टी हमें नहीं छोड़ रहा है। भाजपा एक वक्तव्य है, कांग्रेस का एक वक्तव्य है, कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बी टीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ए टीम का करार दिया। ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं, हम किसी का टीम नहीं है, हम टीम है तो किसानों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का और दलितों का टीम है। इस बात से कोई घबराए नहीं, हम अगर टीम है जैसा बालके जी ने कहा, पक्का पहली बार हिंदुस्तान में कहीं कहीं लोग कहीं कहीं नारे दिए, सिर्फ बीआरएस ही एकलौता एक ही पार्टी है जिन्होंने दिल फाड़ के कह दिया कि अब की बार किसान सरकार, पहले कोई पार्टी ने इस बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई, 60% लोग तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान को और कामगार को जोड़ दो तो 60% से ज्यादा हो गए। अब इन लोगों को डर लगा है भाई, सब साफ साफ मालूम हो रहा है किसान जुड़ रहे बीआरएस के साथ, तो इसलिए उल्टा सीधे बात करने लगते हैं, बड़ा अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, ये तेलंगाना या महाराष्ट्र तक के लिए सीमित पार्टी नहीं है, आज के भारत के जितने भी समाधान, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उसका एक ही समाधान है कि भारत का परिवर्तन, परिवर्तित भारत ही हमारे सारे समस्याओं का समाधान है। हाँ परिवर्तन चाहिए, इसलिए मैं 2-4 शब्द बताता हूं आपको। भारत में 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है, हिंदुस्तान में जिस प्रकार से पानी की उपलब्धि है, हमारे पास बरसात होती है इंडिया में 1,40,000 टीएमसी की, आधा तो उसमें बाष्पीकरण होता है, लेकिन आधा पानी हमें प्राप्त होता है हमारे शुद्ध नदियों में बहते हुए। यानी कि भारत के हर एकड़ में अगर सरकार में दम हो, केंद्र या राज्य के सरकारों का नीति सही हो, तो हर एकड़ में हिंदुस्तान के भरपूर पानी दिया जा सकता है। अभी आते आते रास्ते में बालके जी मुझसे कह रहे थे, मंगलवाड़ के इलाके में 25-35 गांव में पानी आने हैं जो लाया जा सकता है, लेकिन नहीं कर रहे, यहाँ के सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। क्या बात है, पानी जरूरत से ज्यादा है। 41 करोड़ एकड़ जो कृषि योग्य भूमि है भारत में, हर एकड़ को दिया जा सकता है और पीने के लिए भरपूर पानी दिया जा सकता है। मैं औरंगाबाद गया तो वहां बोल रहे, चंबाजी नगर उनका नाम बदल दिया ठीक है, वहां गए तो कह रहे 8 दिन में एक बार पानी आता है, शोलापुर में भी 4-5 दिन के बाद पानी आता है, अकोला वाले मेरे दोस्त थे प्रकाश पोहरे, वो कह रहे थे अकोले में 10 दिन में एक बार पानी आता है। आजकल मुंबई और पुणे में पानी की सप्लाई में कटौती आ रही है, क्या बात है, पानी नहीं है देश में, ये क्या हो रहा है? इसीलिए मैं कहता हूं, साफ कहता हूं,
भारत के जल नीति जो राष्ट्रीय जल नीति है उसको पूरा का पूरा उठा के बंगाल के खाड़ी में फेंक देना चाहिए और नया पॉलिसी बनना चाहिए। यही भारत का परिवर्तन है, पक्का चाहिए यह बात। देश में हमारे पास नहीं है पानी तो अलग बात है, पानी की उपलब्ध है, पानी को रखते हुए हम उससे क्यों वंचित है और क्यों वंचित हो जाए। अब तक नेताओं ने गुमराह कर दिया, जिनको जो कहना कह दिया, ना पीने का पानी आता है ना सिंचन के लिए पानी आता है। दूसरी चीज है बिजली, बिजली की क्या कमी है। बिजली बनाने के लिए तीन चार किस्म का बिजली होता है, लेकिन कई चीज़ों को लेके विवाद भी है। जैसे एटॉमिक पावर है, चेर्नोबिल में रूस में जो विस्फोटन हुआ था उसको लेकर दुनिया भर में कुछ विवाद खड़ा हुआ है, उसको बाजू कर देते हैं। सोलार पावर है, दिन में आता है रात में नहीं आता है, दिन में भी वो भी आभार आ जाए तो तभी नहीं आता है। विंड पावर है, जो हवा से आने वाली पावर, हवा चली तो आई नहीं तो नहीं आई। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर है, वो सिर्फ बारिश में जब नदियां बहने लगते हैं प्रोजेक्ट भर जाते हैं तभी कुछ मात्रा में मिलता है। लेकिन एक ही पावर है जो थर्मल पावर है, जिसको लेकर कोई विवाद नहीं है और थर्मल पावर चलता है हमारे देश में पूरी दुनिया में। थर्मल पावर बनाने के लिए जो कोयला चाहिए, वो कोयला हमारे देश में अब तक पाया गया रिजर्व्स, कोयला रिजर्व्स हिंदुस्तान में 361 बिलियन टन का कोयला का उपलब्धि है। मैं यही बात आपसे विनम्रपूर्वक प्रार्थना करता हूं, मेरे बात को जरूर चर्चा में ले आए गांव में कि जरूरत से ज्यादा पानी है। केसीआर ने कहा यह सच है कि झूठ है, चर्चा कीजिए, उसका निकालिए, पढ़े लिखे लोगों को पूछिए, इरिगेशन अधिकारियों से पूछिए। भारत में बिजली आप चौंक पड़ोगे, आप चौंक जाओगे, जो आपके केंद्र सरकार, पीछे का केंद्र सरकार, राज्यों के सरकार जो गुमराह कर रहे हैं, जो निजीकरण कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। इसलिए मेरा प्रपोजल है, भारत परिवर्तन का ये भी एक हिस्सा है, पूरे राष्ट्रीय ऊर्जा पॉलिसी को भी बदल देना चाहिए। इसलिए कि हमारे पास जिस प्रकार का कोयला उपलब्ध है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल बिजली, सोलार का बिजली और थर्मल बिजली जो कोयला से बनता है, तीनों को संतुलित करके अगर देश के लिए दिया जाए, पूरे भारत के छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक, छोटे छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योगों तक और पूरे जगह बिजली पर्याप्त देने के लिए 150 साल तक के लिए ये पर्याप्त है कोयला। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये मेरी कल्पना नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े है, कोयला मंत्रालय के आंकड़े है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को आप अपने गांव में चर्चा कीजिए, क्यों हमको गुमराह किया जा रहा है। बिजली दे सकते हुए, बिजली बना सकते हुए क्यों निजीकरण कर दे रहे बिजली कंपनीज को, और हमारे देश में इतना भरपूर कोयला है जो 150 साल तक के लिए पर्याप्त है, उसके बावजूद क्यों कोयला ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जा रहा है, क्यों कोयला आज कई अन्य देशों से मंगाया जा रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये रूट मुद्दे है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, किसान भाइयों, हम जब तक एकत्रित ना हो हमारा समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। बड़ा दुख होता है इतने धनवान महाराष्ट्र राज्य में किसान का आत्महत्या रोज का 8 का 7 का 9 का 10 का आंकड़ा में जाता है। क्या यही हमारा किस्मत है किसानों का? एक ही समाधान सब साफ कर सकता है, ये कि हमारा अगर हम प्रतिज्ञा ले ले, सारे किसान चुनाव के समय इकट्ठे रहे, किसानों को पार्टी को कड़ा करे, तब जाके हमारा बिल्कुल समस्या सुलझ सकता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। तेलंगाना राज्य में वहां लोगों ने तेलंगाना राज्य भी प्राप्त किया, इकट्ठे होकर लड़के उसके बाद में किसान सरकार बनाया। बालके जी ने सारा बता दिया वहां क्या क्या दिया जाता है, 24 घंटा हाई क्वालिटी वाला पावर फ्री में दिया जाता है। इस प्रकार का फ्री में दिया जा सकता है कि आप 50 हार्स पावर भी यूज करो किसान, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, 10 नहीं 15 मोटर भी लगाओ उसमें भी कोई पूछता नहीं है। किसान को जब फ्री बिजली देते हैं, फ्री दे देते हैं, दिल से दे देते हैं, चुनाव के लिए वोटों के लिए नहीं देते, वोटों के समय में नहीं दिया हमने। ऐसे ही 10,000 रुपये हर एकड़ को उनके निवेश के लिए दे देते हैं, जो लागोड़ी आप कहते हो, उस प्रकार का किसान का किसी भी प्रकार का मृत्यु हो, एक्सीडेंटल नहीं, किसी भी प्रकार का सहज मृत्यु भी हो जाता है, हमने बीमा कर दिया है, पूरा बीमा का प्रीमियम सरकार ही भरता है,
5 लाख रुपए उनका क्रिया कर्म से पहले उनके घर में पहुंच जाता है। किसान का पैदावारी जो है, धान उगाते हैं तेलंगाना में ज्यादा, हर एक दाना पूरा का पूरा सरकारी खरीदता है। वहां हमने 7000 के ऊपर खरीद केंद्र खोले हैं, पूरे किसान अपने गांव में ही, वहीं कभी उनको ना मंडी जाना पड़ता है, ना सेठों के बीटों के पास में जाना पड़ता है, ना चिट्ठी लेके पैसों के लिए घूमना पड़ता है। मैं जानता हूं महाराष्ट्र में कैसा कैसा दिया जाता है। ये मैं जिस एरिया में खड़ा हूं, ये पूरा गन्ना का एरिया है। गन्ना के दाम के लिए हर साल क्यों किसानों को लड़ना पड़ता है? क्या कमी है, क्या दम नहीं है सरकार में? इतना भी एक साल में बुला के सुलझ, इसको सुलझ दे। हम लड़ाई है नहीं लड़े ये बात नहीं है। शरद जोशी के जमाने से कितने लड़ाई है लड़े। प्याज उगता है उसका दाम नहीं मिलता, प्याज के दाम के लिए हमारे किसान भाई नासिक से मुंबई तक पदयात्रा करते हैं हजारों की संख्या में, उनके पैर से खून भी निकलता है, तभी सरकार को कोई एहसास नहीं। गन्ने का दाम क्यों नहीं देते? कहीं भी नहीं देते। गन्ने के पैसे कैसे देते? 3 महीने में 4 महीने में 5 महीने में देते हैं, एक बार नहीं आता है। ये क्यों? इससे कि हम नहीं निकल सकते इस कष्ट से, इस मुश्किल से हम नहीं निकल सकते? बराबर निकल सकते हैं हम अगर एकजुट हो जाओ। किसान का सरकार आ जाए तो उनके सर पर बैठ के दिला देगा, सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। इसलिए मेरा प्रार्थना है आप सब लोगों से, किसान जब तक एकत्रित ना हो कुछ नहीं बदलने वाला है। पार्टी बदलते रहेंगे। अब समझिए, आप कर्नाटक में हाल में चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी हार गया, कांग्रेस सरकार आ गया, क्या कुछ बदलने वाला है वहां पे? कुछ नहीं बदलेगा, वही पॉलिसी चलते रहेगा, वही पुराने ही कथाएं सुनने पड़ेंगे। इसीलिए मेरा प्रार्थना है, चुनाव में पार्टियां जीतना नहीं है। जब से हमारे भारत में चुनाव में जनता जीतने का रवैया शुरू होगा, तब से भारत बदलेगा। जनता को जीतना चाहिए, जनता को अपेक्षा जीतना चाहिए, चुनाव के दूसरे दिन से ही उनके तहत काम होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की बात है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, किसान जिएगा तो कौन मरेगा, किसान मरेगा तो कौन जिएगा? किसान अगर जिंदा है सबके ताली में काना आता है, किसान अगर खत्म है तो सबके तालियां सूख जाएंगे, कौन कौन जी सकता है? इसीलिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूं, किसान का एकत्रित, पूरे किसान भाई जितने यहां पधारे हैं, किसान भाई एकत्रित हो तो हमारे सारे समस्या का समाधान निकल सकता है। इसके अलावा भी कई लोक कल्याण कार्यक्रम हमारे पास है, वो सब किए जा सकते हैं। कोई गरीब शादी करता है, 1 लाख रुपए दे देते हैं हम लोग। विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं, 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग, जो बाहर देशों में पढ़ने के लिए। ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। जो दिव्यांग लोग हैं, देश में कोई राज्य नहीं देता, सिर्फ तेलंगाना एक ही राज्य है 3000 के ऊपर देता था। तेलंगाना दशाब्दी उत्सव में मैंने अभी अनाउंस किया, उनको 4000 मिलेगा पर महीने। यहाँ पे पेंशन क्या मिलता है? मेरे ख्याल से कोई 600 रुपए मिलता है। तेलंगाना में हम 2000 रुपए पेंशन देते हैं। मैं महाराष्ट्र वासियों को, जो पेंशनदार है उनको खुलकर कहता हूं, महाराष्ट्र में बीआरएस का सरकार लाओ, पूरे किसान के काम भी हो जाएंगे और वेलफेयर मेजर्स भी। आपको पेंशन 2000 मिलेगा, बाजाब्ता मिलेगा, किसी का दिवाला नहीं निकलेगा, बिल्कुल बाजाब्ता आराम से दे सकते हैं। ये सारे चीज हो जाएंगे, सारे चीज संभव है जबकि हम एकत्रित हो। दलित वर्ग हमारे देश का एक अंग है, उनको हमने पीछे रखा है, वो हमारा ही पाप है, उस पाप को हमको धोना पड़ेगा, कोई अन्य आके नहीं करेगा। अमेरिका देश में काले लोगों को गोरे लोगों ने बहुत सताया था, बहुत रुलाया था, बहुत उनको वंचित किया था, लेकिन अमेरिका समाज में जागृति आने के बाद एक ब्लैक, मतलब यानी काले जाति के रहने वाले बराक ओबामा को देश के अध्यक्ष बना देके उनका अपने पाप को धोया है। ये भी भारत में चेतना आना चाहिए, हमारा दलित भाई वंचित ना रहे, उनके भी उद्धार होना चाहिए साथ साथ में। जब तक वो ऐसे रहेगा, पिछड़े रहेगा, ये भारत के चेहरे पे एक दाग रह के बन जाएगा। इसको भी मिटा देना कोई दूसरा देश वाला नहीं करेगा, ये हमारा ही कर्तव्य बनता है, हमारा ही दायित्व बनता है। यहाँ के पार्टियां पूरे प्रस्तापित है, इनको क्या डर है समझ में नहीं आता, क्यों ऐसा करते हैं समझ में नहीं आता, क्यों उल्टा सुलटा बात करने लगते। हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडा पे बात करो, उस एजेंडा डिस्कस करो। देवेंद्र फडणवीस जी
जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री अब के उप मुख्यमंत्री है। नांदेड़ में पहली बार जब मैं आया था तो उन्होंने कहा था, केसीआर जी आपका यहाँ क्या काम है, आपका तो काम तेलंगाना में है। मैंने कहा भैया मैं भारत के नागरिक हूँ, कहीं भी जाके काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ किसान के उद्धार के लिए आया हूँ। अगर मुझे नहीं चाहते हो तेलंगाना एजेंडा मक्की का मक्की 100% इम्प्लीमेंट करो, मेरा काम खत्म, मैं मध्य प्रदेश चले जाऊंगा, महाराष्ट्र नहीं आऊंगा। उसका जवाब नहीं है उनसे, उसका जवाब आता ही नहीं है। उनको कहना चाहिए कि बिल्कुल हम अमल करेंगे, नहीं करते। केंद्र सरकार एक 6000 रुपए देते हैं, वो भी कम लोगों को, कम किसानों को। हमारे पास कोई ऐसा अभेद नहीं है, पूरे किसान जितने भी है 70 लाख किसानों को हम रईत बंधु जो स्कीम है 10000 देने वाला, छोटा बड़ा सब किसानों में देते हैं, कोई भेदभाव नहीं है उसमें। इसी प्रकार का यहां भी आना चाहिए। लेकिन जैसा बीआरएस ने प्रवेश किया महाराष्ट्र में, फिर 6000 का ऐलान हुआ। वो किसको देंगे? जो किसान सम्मान निधि मिल रहा है उन्हीं को देंगे, बाकी को नहीं देंगे। वो भी पूर्ण रूप से नहीं, 2000 करके 3 किस्तों में देते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। फसल को 5000 एक देते हैं निवेश के लिए, फिर दूसरा फसल के दूसरा दे देते हैं। मुफ्त में पानी देते हैं, मुफ्त में बिजली देते हैं, और हर दाना उनका खरीदते हैं। खरीदते भी कैसा, सीधा उनके बैंक में जाता है। आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे मेरे बात सुनकर। तेलंगाना में मैंने देखा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल किसानों का जो कष्ट है, मुश्किल है, मैंने देखा है। उसके बाद में पूरी तलाटी व्यवस्था हमने बर्खास्त कर दिया है तेलंगाना में। तलाटियों का जो काम है आप जानते हैं, हमारी भूमि उनके नाम पर लिख दे, इनका भूमि उनके नाम पर लिख दे, वहां पूरा तलाटी व्यवस्था ही बर्खास्त कर दिया कानून बना के। उनके पेट में नहीं मारा हमने, दूसरे डिपार्टमेंट में उनको नौकरी दिया, और तलाटी व्यवस्था निकाल के धरणी बोल के पोर्टल लाके सारे जमीन का रिकॉर्ड हमने डिजिटलाइज कर दिया। उसके लिए उस माध्यम से ये सुविधा होता है किसानों को, धान खरीदते हैं, किसी के पास फिरने की जरूरत नहीं है, सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जाता है। जो 5000 हर फसल के लिए हम निवेश के लिए देते हैं, वो भी सीधा, ना दरखास्त जा देना है, ना दफ्तर जाना है, सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है, हैदराबाद से जाता है। किसान का जो बीमा है उसके लिए कहीं दरखास्त नहीं देना है, सीधे उनके अकाउंट में, बैंक में चले जाता है। ये संभव बात है। ये बात जब तेलंगाना में हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं कर सकता? यही मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा सवाल है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, पूरे अन्य भारत में क्यों नहीं? ये संभव होते हुए भी एक राज्य में, हिंदुस्तान के एक हिस्सा में हो रहा है, बाकी भारत में क्यों नहीं? इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से, सभी लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, ये पूरे भारत के किसानों के जंग है, उनके प्रतिनिधि है बीआरएस पार्टी, सिर्फ महाराष्ट्र या तेलंगाना किसी एक राज्य का नहीं है। और आखिरी में मैं एक बात आपको जरूर बताऊंगा। बालके जी ने कुछ बात रखा, उन्होंने, पिताजी थे उनके, बड़े अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, 3-3 बार आपने उनके, आपके प्यार दिया, उनको जिताया, उनकी मृत्यु हो गई, भगवान ने हमारे साथ नहीं रखा उनको। उनको मैं आश्वासन देता हूँ, बिल्कुल मैं उनसे बड़ा हूँ, उनको पूरा आशीर्वाद मेरा उनके साथ होगा, बालके जी के साथ। आज हम पूरे तेलंगाना राज्य को लाके यहाँ विठोबा जी के दर्शन करवाए, घर बुलाए, और खाना भी खाएंगे हम लोग जाके, आप लोग भी खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे। इतना हमारे साथ जो खड़े हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के जो दरवाजा खोले हैं बालके दादा, उनके पूरा हमारे साथ होगा, हमारे आशीर्वाद उन पर होगा, हम पूर्ण तरीके से उनके साथ होंगे। आप सब लोग भी साथ दीजिए, एक युवा नौजवान क्या चाहिए, नौजवान लीडर है, नौजवान नेता है, उनका काफी भविष्य है। ये एमएलए चुने जाते हैं तो एमएलए नहीं रहेंगे, मैं आश्वासन देता हूं, इनको मंत्री पद भी मिल सकता है, काफी ऊंचे भी जा सकते हैं, आगे चलकर बहुत बड़ी उनकी तरक्की हो सकती है। उनकी तरक्की यानी पंडरपुर मंगलवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की है, सोलापुर जिले की तरक्की है, महाराष्ट्र राज्य की तरक्की है, बालके जी का व्यक्तिगत तरक्की नहीं है। उनको भगवान ने जो दिया दिया है, उनको कोई खाने की कमी नहीं है, लेकिन पूरे राज्य का विकास, पंडरपुर का विकास, हर चीज का विकास उनके जरिए हो जाएगा। ये युवा है, मैं इनसे बहुत बड़ा हूं, इसे युवा लोगों का मार्गदर्शन में पूरे किसान एकत्रित होके आप चल पड़े तो हर चीज संभव है, कोई असंभव नहीं है, कोई नहीं होने वाला कारण नहीं है। एक बात मैं अंत में कहूंगा, हम जब फल की अपेक्षा करते हैं, फल का ही पौधा लगाना चाहिए। कई महान संतों ने कह दिया है कि बोया पेड़ बबूल का, आए कहां से आम। आम का अपेक्षा है तो आम का पौधा लगना चाहिए,
कांटों का पेड़ लगा पौधा लगा के फल का अपेक्षा करें, हमको नहीं मिलेगा। गाय से दूध लेना है तो गाय को घास दीजिए, गधों को घास दे दो और गाय को दूध पूछो, कहां से मिलेगा हमको? हमारे वोट में वो ताकत है, वो दम है, हम बटे नहीं गए तो बिल्कुल हमारा काम बन जाएगा। मैं आपके भाई हूं, आपका बेटा हूं, मैं अपने आप में किसान हूं और मैं गर्व करता हूं, फख्र करता हूं। भगवान ने मुझे किसान के घर में जन्म दिया, किसान के घर से ही मैं पैदाइश हूं, किसान होने का मैं फख्र करता हूं, बिल्कुल फख्र करता हूं। मुझे फख्र है किसान होने के लिए, इसीलिए मैं खुद किसान में हूं, इसीलिए मैं किसान का दुख दर्द समझ सकता हूं। लोग बोलते हैं वहां के मराठवाड़ा के विदर्भ के लोग बोलते पश्चिम महाराष्ट्र ठीक है। मैंने कहा भैया पश्चिम महाराष्ट्र में क्या मुफ्त में बिजली मिलता है? मिलता है 24 घंटा मिलता है? एक घंटा भी नहीं मिलता है। लागोड़ी मिलता है? नहीं मिलता ना, मुझे सुनने नहीं दे रहे, नहीं मिलता। तलाटी रखे क्या बर्खास्त करे? बर्खास्त करना चाहिए, जो बर्खास्त करना चाहिए हाथ उठाइए एक बार। कैमरा वाले उधर देखो भाई, कैमरा वाले उधर घुमाओ, जनता क्या चाह रही है वो बता दो पूरी दुनिया को। ऐसा है, केंद्र सरकार ने अनाउंस कर दिया डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया सही है, महाराष्ट्र के किसानों के लिए ये सुविधा क्यों नहीं लाया गया? कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्यों नहीं कर सकते? जब तेलंगाना कर सकता तो आप भी कीजिए। इन तलाटियों के लूटमार से बचा लीजिए किसानों को। ये करने वाले बात नहीं करते, उल्टा सुलटा बोलने लगते हैं जो करने वाले हैं। लेकिन जनता क्या चाहता है अभी आपने हाथ उठा के बता दिया तो भी समझ में आ गया। कई कई बातें हैं, मेक इन इंडिया बोले देश के प्रधानमंत्री साहब ने। मेक इन इंडिया है तो हर शहर में क्यों चाइना बाजार लगता है? भारत बाजार कहां भाग गया है? क्यों चाइना बाजार ही दिखता है हर शहर में? बच्चे उड़ाने के पतंगों के मांजा, दीपावली के दिए, दीपावली के पटाखे, होली के रंग, ये सारे चाइना से आते हैं। क्या भारत में इतना भी सलाहियत नहीं है कि ये चीजें बन सके? आप सोचिए इन बातों को, आपके गांव जाने के बाद सोचिए कि भारत बदलना है नहीं बदलना है। जरूर भारत का परिवर्तन ही आज के भारत के समस्याओं का समाधान है, कोई दूसरा नहीं समाधान है। पूरे नीतियां बदलना चाहिए, पॉलिसियां बदलना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, लोगों के सामने रखना चाहिए। मैंने डट करके पूछा, मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, तलाटी लोग जरूर हमारे खिलाफ वोट डालेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जब जनता चाहता है, हम उठ के खुल के कहते हैं कि तलाटी चाहिए कि नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के हर प्रांत में मैं पूछ रहा हूं, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, नासिक में, हर जगह मैं पूछ रहा हूं। हर जगह की पुकार, जनता का पुकार यही है कि तलाटी निकाल दो। जैसा तेलंगाना में होता है, हमारा भी डिजिटलाइज रिकॉर्ड करो, हमारा रिकॉर्ड सेफ रखो, जमीन सेफ रखो, कोई उल्टा सुलटा ना हो जाए। हमारे तेलंगाना राज्य में किसान धरणी पोर्टल में एक बार उनका जमीन, उनका नाम चढ़ गया, वो निश्चिंत है एकदम, उसका कोई नहीं बदल सकता। बदलने का अधिकार किसान को ही हमने दिया है। किसान का अंगूठा यानी कि बायोमेट्रिक लग के ही किसान का जमीन का ओनरशिप बदलता है तेलंगाना राज्य में। उसका कोई तलाटी नहीं बदल सकता, कोई रेवेन्यू इंस्पेक्टर नहीं बदल सकता, तहसीलदार नहीं बदल सकता, डिविजनल ऑफिसर नहीं बदल सकता, कलेक्टर भी नहीं बदल सकता, रेवेन्यू सेक्रेटरी भी नहीं बदलता, रेवेन्यू मंत्री भी नहीं बदलता, चीफ सेक्रेटरी भी नहीं बदल सकता, चीफ मिनिस्टर भी नहीं बदल सकता। सिर्फ किसान की जो भूमि है उन पे उनका जो अधिकार है, उनका जो पट्टा है, उसको बदलना है तो किसान की बायोमेट्रिक से ही बदलता है। ये भी आप अपने गांव में चर्चा कीजिए। जब तेलंगाना में ये सुविधा है उपलब्ध किसानों के लिए, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? जो नेता लोग हमको हमारे ऊपर ये कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे पूछिए भैया केसीआर ने कह के गया, आप क्यों नहीं कर रहे ये बात, हमारे लिए क्यों नहीं ला रहे? तेलंगाना का महाराष्ट्र का बॉर्डर है 1000 किलोमीटर। आप कहीं भी जाके पूछ सकते हैं किसी भी गांव में, यहां से सिर्फ 400-500 किलोमीटर में तेलंगाना पड़ता है। बालके जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हर तहसील से एक बस या दो बस, एक बस में महिला एक बस में पुरुष आ जाए, बिल्कुल आकर वहां के पूरा एक दो दिन घूमे,
हम आपका सत्कार करेंगे, हम आपके वहां के मंदिर का दर्शन करवाएंगे, उस सौभाग्य हमें दे दीजिए, हम आपके बिल्कुल लोगों को लाइए, एक हफ्ता 10 दिन में पूरे दिखा के हम बता देते हैं क्या क्या कैसा होता है, रजिस्ट्रेशन कैसा होता है। तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन करने जाओ 10 मिनट में हो जाता है, फिर पट्टा के लिए समय नहीं है, उसके बाद 5 मिनट में पट्टा भी हो जाता है, वहीं के वहीं पासबुक दे देते हैं आपके पास, जो 7-12 है इतना सा कागज देते हैं, हमारे पास कागज नहीं देते। हर किसान के पास जैसा पासपोर्ट होता है ना, उससे भी सुंदर सा पासबुक है उनके पास, और उनका कभी वो बेचते हैं खरीदते हैं तो पूरा उसी समय वेबसाइट में दिख जाता है, किसी ने यहाँ खरीदा उनका बेटा अमेरिका में, वहां देख सकता है, अमेरिका में भी, दुनिया के किसी कोने में है, खाली वेबसाइट खोल दिया दिख जाएगा हमारे पिता ने 2 एकड़ खरीदा है। ऐसे सुविधा यहां भी किया जा सकता है, हमको बोलने से बजाय ये काम कीजिए ना, ये काम कर सकते ना, टाइम है अभी सरकार के पास, काफी समय है, कर सकते, वो नहीं करते, उसको छोड़ के उल्टा सुलटा बातें करो, KCR को कुछ कहो, ए टीम कहो, बी टीम कहो, मैं साफ बता देता हूं पूरे महाराष्ट्र वासियों को, भारत वासियों को, BRS किसी का टीम नहीं है, हम अपने आप में पार्टी है, हम किसानों का टीम है, हम दलितों का टीम है, पिछड़ों का टीम है, और अल्पसंख्यक लोगों का टीम है, पूरा भलाई करने वाला पार्टी है, ये किसी का बी टीम ए टीम बनने का हमारा कोई जरूरत नहीं है। 50 करोड़ यानी कि 50% यानी कि 70 करोड़ आबादी जब हमारे किसान है, अगर किसान BRS के साथ है तो हमारे साथ टीम आ जाएंगे, हम किसी के टीम क्यों बनेंगे, किसान हमारे साथ है, आप बताइए किसान हमारे साथ है, जंग लड़ेंगे, अब की बार दल हो गए, आप लोग खाना तैयार है, जोर से बोलिए, अब की बार भगीरथ बाल के जिंदाबाद, बोले भगीरथ बाल के। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मेरे जो भी बातें हैं मैं एक बार विनम्रपूर्वक विज्ञापन करता हूं, मैंने जो कहा है अब तक आपने नहीं सुना है, इसलिए हर जगह मैं यही प्रार्थना करता हूं, ये यहीं नहीं छोड़े, अपने गांव में जाके इसको चर्चा पे रखे, डिस्कशन करे, और सही है तो पूरे लाइन में लग जाइए, हम जीतेंगे, मैं भगीरथ बालके भी जीत जाएंगे, BRS भी जीत जाएगा, आप तमाम लोग जीत जाएंगे, जरूर हमारी जीत होगी, क्योंकि हमारे युद्ध में न्याय है, नीति है, जरूर हमारे विजय प्राप्त होगा, फिक्र मत कीजिए, कुछ ही दिन में बदलेगा महाराष्ट्र, किसान का भविष्य भी बदलेगा। इतना कहते हुए मैं आपसे रुख्सत होता हूं, धन्यवाद, अब की बार धन्यवाद। देश के किसानों को उज्जवल भविष्य देने वाले, किसानों के मन में भावी पंथ प्रधान, किसानों के नाम ऐसी एक भूमिका निभाने वाले सम्माननीय तेलंगाना के मुख्यमंत्री के